मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो है घर चलो घर घर चलो अभियान जो है चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जो है ये अभियान तेजी से चल रहा है और हर विधानसभा में देखा जाए तो ये कार्यक्रम जोर से चल रहा है। लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है कि कांग्रेस को घर चलो घर घर चलो अभियान चलाना पड़ा? हमारे विधायक कमलेश्वर पटेल जी, आइए हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या आवश्यकता पड़ गई कि घर चलो और घर घर चलो अभियान चलाना पड़ा? देखिए, ये तो पार्टी का कार्यक्रम है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग छल कपट की राजनीति कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में देश में झूठ परोसने की प्रयास कर रहे हैं, काम कुछ नहीं किया, पहले कुछ बोलते हैं फिर आगे अगली बार बढ़ जाते हैं, फिर कुछ और झूठ बोलने लगते हैं। पिछले का अगर हिसाब लिया जाए कि कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है काला धन, कहाँ है 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों का रोजगार, मध्य प्रदेश सरकार ने भी 30 लाख प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, कुछ हुआ तो नहीं, बल्कि सब बढ़ ही गया। लोगों के पास अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता गाँव-गाँव जाएं और ये बताएं कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, किस तरह से लोगों को बेरोजगारी में ठेल दिया, किस तरह से महंगाई की इतना मार लोगों को झेलना पड़ रहा है, बिजली के बिल के मारे लोग परेशान हैं, और ये सब चीज़ों से इनको बाज आना चाहिए, लूट खसोट बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट खसोट पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे किया, आप समर्पण निधि के नाम पे कर रहे हैं। ये चाहते क्या है प्रदेश की? देना किसी को कुछ नहीं है, व्यापारियों से भी लूटना है, अधिकारी कर्मचारियों से भी लूटना है, गरीब जनता को भी लूटना है, तो चाहते क्या है? यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के टाइम में कहा था कि हम बिजली का बिल किसी का भी नहीं आने देंगे, कोरोना के टाइम का माफ करेंगे। सबको लोक अदालत की नोटिस जारी हो गई, सबके 4-4, 6-6 हज़ार के बिल आ गए, 10-10 हज़ार के बिल आ गए, कई गरीब बस्तियों का बिजली का बिल काट दिया, बिजली कनेक्शन काट दिया। आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही उनका, गरीबों के बच्चों के भविष्य चौपट करने में तुले हुए हैं। तो ये सरकार कैसा काम कर रही है, ये चाहते क्या है प्रदेश और देश की जनता के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये समझ से परे है। और ये सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी जगह जगह जा रही है, कांग्रेस के लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे और अभी सदस्यता अभियान भी कर रहे हैं और भाजपा का चरित्र भी बता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 15 महीने में जो काम किए, चाहे वो किसानों का कर्ज माफी का हो, 27 लाख पूरे प्रदेश में माफ किया, रुपये 150 रुपये से ज़्यादा किसी का नहीं आता था, 1 रुपये 1 यूनिट कर दिया था, 10 हॉर्स पावर तक किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 कर दिया था, कन्या विवाह की राशि भी 51 हज़ार कर दिया था, एकल विवाह में भी घर से भी देने का प्रावधान कर दिया था, गौशालाएँ बनाई थी। तो जो काम हम लोगों ने किया था, अभी का भी काम बताना है केंद्र में जो हमारे सरकार ने, पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी, क्या क्या काम किया, ये सारी बातें भी बताना। आज पंचायत चुनाव अगर नहीं हो पाया तो भाजपा की गलतियों से नहीं हो पाया, आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया लोगों को, तो ये तो ठगने का काम सिर्फ कर रहे हैं। और हमारा तो नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी शिवराज ने ठगा नहीं। की बात करें कि संगठन में इस प्रकार से क्या ऐसा लगता है कि संगठन में अब बदलाव करने की आवश्यकता है, अब युवाओं को सामने आना चाहिए और नए चेहरों को सामने आना चाहिए, ताकि माने संगठन जो है वो सक्रिय हो सके और नए लोगों को भी मौका मिल सके, क्या संगठन की इस तैयारी पर है? देखिए, संगठन में निरंतर बदलाव होता रहता है, सदस्यता अभियान चल रहा है और जब नया चयन होगा तो जरूर नए लोगों को मौका हमेशा मिला है, नए से ही तो लोग पुराने बने हैं, तो नए लोगों का ये तो हमेशा भर्ती अभियान चलते ही रहता है। हमारे बहुत सारे संगठन हैं और सभी संगठनों में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत सारे कई साल हो गए, नए लोगों की भर्तियाँ हो, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देश प्रदेश सभी जगह जिले ब्लॉक सभी जगह ये तो एक प्रक्रिया है और ये निरंतर काम चलता रहता है। तो ये कर्मचारियों की पेंशन को लेकर जो आपने राजस्थान सरकार ने किया, तो क्या मध्य प्रदेश और निरंतर जो पेंशन है वो तो लागू करेगी? अब मध्य प्रदेश की सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी ये तो उसके ऊपर है, पर कांग्रेस पार्टी का जो काम है, हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली मध्य प्रदेश में भी हो, जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किया है, उसकी लड़ाई हम लोग विधानसभा में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। बिंद में जिस प्रकार से पिछले बार अगर देखा जाए सीट रही है, तो क्या लगता है बिंद में कि बढ़ोतरी होगी या फिर स्थिति कुछ और? बिंद में भी बढ़ेगी, पूरे प्रदेश में बढ़ेगी, और एक तरफा कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, और बनेगी इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस तरह से
किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, बेरोजगारों के साथ, दुकानदारों के साथ, छोटे उद्यमियों के साथ जो छलावा किया है, हर व्यक्ति इनसे परेशान है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और सिहावल विधायक, जिन्होंने घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत पूरी जानकारी उन्होंने दी, हमारे हर सवालों का जवाब उन्होंने दिया। और अब देखना ये होगा कि जो आने वाली चुनाव 2023 में है उसमें बिंद में किस प्रकार की स्थिति रहती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजभोज के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।